हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल सीवेज। तो जो सीवेज है, एक्चुअल में वेस्ट वाटर को अगर विदाउट ट्रीट किए हुए अगर किसी वाटर बॉडीज़ में या कहीं पर उसको डायरेक्टली एडअप कर दिया जाता है, तो ये एक अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए कई तरीके से डिसीज़ कॉजिंग हो सकता है। बहुत तरीके से वाटर जो है वो उसके कंजम्पशन के लिए यूज़फुल नहीं बचेगा। सो देन अगर हम बात करें तो इससे सबसे बड़े चांसेस हैं कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीवेज में होते हैं वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में एडप्ट हो जाएंगे, जो सीवेज को अगर डायरेक्टली अगर ट्रीट नहीं किया गया। इससे जो डेंजर होता है कि ड्रिंकिंग सप्लाई भी इससे अफेक्ट होती है, अगर ये प्योर वाटर में जाकर ऐड होता है किसी रिवर में या किसी दूसरी वाटर बॉडीज़ में, और इसके साथ साथ ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो वो जो पॉल्यूटेड वाटर होगा वो अनसेफ हो जाएगा ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, और ये जो है वाटर के लिए जो है इसमें चार्जेबल पॉल्यूशन भी कर देता है, और ये जो है वाटर बॉडीज़ के लिए जो है वो उनका दोबारा रीयूज़ करने के लिए या उनकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है वाटर क्वालिटी के लिए। और अगर वेस्टफुल वाटर, अगर म्यूनिसिपल सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट कंटेनिंग अगर वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में मिला दिया जाए, तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी डेंजर क्रिएट करता है और उनकी डेथ कॉज कर सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऑफेंसिव ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है ये, और डेब्रिश ऐड कर सकता है, और प्रॉपर्टी और क्वालिटी डिक्रीज़ कर सकता है वाटर की। तो और उसके साथ साथ में इसमें टॉक्सिक केमिकल का एडिशन भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल सीवेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्रोसेस की, तो बेसिकली हम इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक है सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स और दूसरी होती है म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो अगर हम बात करें सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स में, तो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स एक्चुअल में ये जो ट्रीटमेंट और इनमें डिस्पोजल जो होता है वेस्ट वाटर का, वो इंडिविजुअल ड्वेलिंग और एक यूनिट स्ट्रक्चर के बेसिस पर होता है। सो जैसे कि हम उसमें बोले सेप्टिक टैंक है, एनारोबिक डाइजेस्टिंग सिस्टम है, तो ये छोटे लेवल पर काम करने वाली यूनिट्स होती हैं, इसीलिए हम इसको सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स में बता रहे हैं इसके लिए। तो ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेप्टिक टैंक के लिए। तो सेप्टिक टैंक में अगर आप देखें तो एक हाउस सीवर लाइन है, एक सेप्टिक टैंक है, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ है, और इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद डिफरेंट लाइनिंग्स के थ्रू इसको एब्जॉर्प्शन फील्ड में पहुँचा दिया जाता है वाटर के लिए। बट अगर इस सेप्टिक टैंक में देखें तो इसमें एक इनलेट होता है, और यहाँ पर नीचे लोअर रीच में स्लज इकट्ठा होता जाता है, और एक जगह से आउटलेट होता है। तो ये सेप्टिक टैंक का एक क्रॉस सेक्शन है। अगर हम बात करें किसी सेप्टिक टैंक में, तो सेप्टिक टैंक एक तरीके से सीवेज का सेटलिंग टैंक होता है। सो अगर किसी भी सिंगल ड्वेलिंग यूनिट जो होती है उसमें पूरे तरीके से एनारोबिक डाइजेशन है, एयरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की मदद से जनरली हम इसमें डाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं। सो जो सेप्टिक टैंक होता है ये सीवेज को सेटलिंग टैंक होता है। ये यहाँ पर सीवेज जो है वो सेटल डाउन होता है, और इसमें सॉलिड को इकट्ठा करने के लिए ये परमिट करता है, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ स्लज होता रहता है। और इस पूरी प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो बन जाता है वो रहता है जो है पहले तो डिकम्पोजिशन ऑफ स्लज, और दूसरा जो इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं सेप्टिक टैंक में, वो है सेडिमेंटेशन और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इसमें प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस पूरे के पूरे सीवेज को यहाँ पर डिग्रेड करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ साथ इसमें अगर हम बात करें तो जो सेडिमेंटेड सॉलिड होता है, इसमें जो सेडिमेंटेड सॉलिड होता है उसको एनारोबिक डाइजेशन के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया का भी इसमें यूज़ किया जाता है। और फिर भी अगर हम बात करें तो इसमें फिर भी हायर लेवल ऑफ बीओडी होता है, हाई इन बीओडी होता है, इसमें ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर होता है इसमें। बट सेप्टिक टैंक जो होता है ये जो है सॉयल सरफेस में लोअर रीच पर थोड़ा सा अवेलेबल होता है,
और सेप्टिक टैंक ज़्यादा मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड है डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज एक स्मॉल इंस्टॉलेशंस पर। इसीलिए इसको इंडिविजुअल ड्वेलिंग और आइसोलेटेड रूरल बिल्डिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है, बट इसको किसी लार्ज लेवल पर यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एलिमिनेशन नहीं होता है। सो दिस इज़ अबाउट दी सेप्टिक टैंक। बट इसकी यूज़ की बात करें तो जो है इसमें डिस्पोजिंग सीवेज स्मॉल इंस्टॉलेशन में होता है, इंडिविजुअल ड्वेलिंग्स में ये यूज़ होता है और रूरल बिल्डिंग्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। देन अगर हम बात करें दूसरा म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये दूसरे ट्रीटमेंट जो कि कंबाइन है, इसको हमने कुछ कैटेगराइज किया है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर एडवांस ट्रीटमेंट और फिर लास्ट है फाइनल ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, जो म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, तो बेसिकली इनके ये चार टाइप हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो इसमें होता है सॉलिड को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, जो भी सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं उनको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। तो जो कोर्स सॉलिड है सेटलेबल सॉलिड से उनको रिमूव किया जाता है। फिर अगर हम इसमें बात करें इस पूरी प्रोसेस में, तो इसमें किया जाता है स्क्रीनिंग, यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पर ग्राइंडिंग किया जाएगा, फिर इसको ग्रिट चैम्बर में लिया जाएगा और फिर ट्रीट किया जाएगा सेटलेबल सॉलिड्स के लिए। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। देन पर्टिकुलेट मटेरियल को जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सो सेडिमेंटेशन की जो यूनिट होती है, बेसिकली उसमें एक टैंक होता है, एक बेसिन होता है और कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस का इसमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसको कंसंट्रेट किया जा सके सीवेज के लिए, कलेक्ट किया जा सके पर्टिकुलर मैटर को, जिसको हम बोलते हैं स्लज, उसको हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लज। और फिर सेडिमेंटेड जो स्लज होता है और लिक्विड एफ्लुएंट को सेपरेटली प्रोसेस किया जाता है। सॉलिड को अलग से प्रोसेस किया जाता है और लिक्विड को अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सो दिस इज अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये एक्चुअल में इसमें ही इम्पॉर्टेंटली माइक्रोबायोलॉजी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ आता है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहली प्रोसीजर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसमें जो है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल परफॉर्म कराया जाता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू। सबसे पहले इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म कराया जाता है। और देन अगर हम इसमें बात करें तो ऑक्सीडेशन मेथड्स के लिए कुछ बेसिक जो है उसमें हम जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में करते हैं फिल्ट्रेशन बाय इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स, कॉन्टैक्ट फिल्टर्स और ट्रिकलिंग फिल्टर। देन दूसरी जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रोसीजर वो होता है एयरेशन बाय एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और कॉन्टैक्ट एयरेटर, मतलब उसमें एयर का एडिशन भी करना है। और फिर देन ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है, जिनको हम लगून्स भी बोलते हैं, उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो उसमें से जो इनमें सबसे बेस्ट जो हम बात करें, तो इनमें से जो है पहला ट्रिकलिंग फिल्टर, फिल्ट्रेशन में हम बात करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर्स है ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो सबसे पहले तो जो लिक्विड एफ्लुएंट था, यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दो तरीके से था, एक सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड एफ्लुएंट को डायरेक्टली एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म तक पहुंचाया जाता है, जो मशीनरी से कनेक्टेड है, पंप से कनेक्टेड है, और यहाँ से लिक्विड एफ्लुएंट जाएगा और ये पूरी इन डिस्ट्रीब्यूशन आर्म के पास तक रीच करेगा। नीचे ये जो बेड है इसका कट सेक्शन बनाया गया है, इस कट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैंड है, बड़े बड़े पेबल्स हैं और यहाँ पर जो है बेड बनाया गया है, इसको हम स्टोन बेड बोलते हैं। और इस स्टोन बेड के ऊपर इन रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर्म की मदद से इस लिक्विड एफ्लुएंट को यहाँ पर पोर किया जाता है और इससे सॉलिड जो भी रिमेन होता है उसको यहाँ पर ऊपर वो सेटल होते जाते हैं और लिक्विड एक जगह से रिमूव होता जाता है। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है इसमें कुछ क्रश्ड स्टोन होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, स्लैक्स होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और ये ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर हम बात करें तो ये पाइल ऑफ रॉक्स के ऊपर फॉर्म भी किया जाता है और इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रिकल किया जाता है। देन जो लिक्विड सीवेज जो इसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है बेड के ऊपर, उसको एक रोटेटिंग आर्म या नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इसके साथ में इसमें ऑक्सीजन की भी मिक्सिंग किया जा सकता है।
सीवेज को जो है एयरोबिक कंडीशंस पर इस बेड के ऊपर रखा जाता है और इसमें बहुत सारी जू ग्लियल फिल्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो बायोलॉजिक जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है और उस बायोफिल्म में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो जनरली कंसिस्ट होते हैं जो इस बेड के ऊपर हो सकते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स और एल्गी। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इस लिक्विड एफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करते हैं उन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को, और इनको एक स्टेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो सीवेज की जो कंपोजिशन है वो बहुत कुछ लेवल पर चेंज हो जाती है। देन कंटिन्यूसली इसको ट्रीट किया जाता है और फंक्शनिंग कराया जाता है। तो इसको कुछ वीक तक इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है इस पूरे फिल्टर की मदद से। देन तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो है एक एफिशिएंट जो एक मेथड बन जाती है यहाँ पर सीवेज के ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें एक अपर पोर्शन में जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें एल्गी की ग्रोथ कराया जाता है जो कि इसमें फिल्ट्रेशन की तरह जो काम करती है। कई स्पीसीज प्रोटोजोआ फंजाई की फिल्टर में कंटिन्यूस थ्रू आउट हम इनका यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको रेगुलरली चेक किया जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी के इंटरेक्शंस को भी स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होता है जिसके थ्रू सीवेज को ट्रीट किया जाता है। तो बहुत कुछ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से जो है रिमूव हो जाता है और एक जगह से कलेक्टिंग उसके थ्रू इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और अगले ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा जा सकता है। अब दूसरी जो हम बात करें, अगर इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने पहले बात कर ली है ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हम बात करेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो अगर हम बात करें तो जो भी इसमें हमने एयरेशन किया है विग्रस, हम इसमें एयरेशन करते हैं सीवेज में जिससे कि इसमें बन जाते हैं कुछ फ्लॉक्स, यहाँ पर फ्लॉक बन जाते हैं और ये जो फ्लॉक होते हैं इन फ्लॉक जो कि एग्रीगेट हो जाते हैं डिज़ाइन जिनको कि हम फ्लॉक्यूल्स बोलते हैं, और ये फ्लॉक जो होते हैं ये आसानी से एक शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब हम इनमें जो है सीवेज को एरेट किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, एजिटेशन एडिशन ऑफ सेडिमेंट, फिर इसको फ्रेश सीवेज इससे जो है और एरेशन, इसमें प्रोसीजर कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये कुछ घंटे के लिए किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज की जो प्रोसेस होती है। तो अगर हम बात करें तो एरेशन के फ्लॉक्स फॉर्मेशन किया जाता है और फिर एक्टिवेटेड स्लज में लार्ज नंबर में मेटाबोलाइजिंग एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। अगर हम उन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली फिलामेंटस बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है जो एक्टिवेटेड स्लज में एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्फियरोटिलस निटेंस, स्फियरोटिलस निटेंस बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, और स्ट्रेप्टोथ्रिक्स, स्ट्रेप्टोथ्रिक्स हाइलिना की प्रेजेंस होती है। ये सब दोनों फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जो कि फ्लॉक्स बनाते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स भी फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ल्यूकोथ्रिक्स, ल्यूकोथ्रिक्स की प्रेजेंस होती है, थायोथ्रिक्स की प्रेजेंस होती है। तो एक्टिवेटेड स्लज से बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में जो एयरेशन पीरियड जो हम यहाँ रखते हैं वो 4 to 8 आवर्स का रखते हैं, जिससे कि सेडिमेंटेशन टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा एयर को प्रोवाइड किया जा सके और इससे कंसिडरेबल रिडक्शन ऑफ बीओडी किया जा सके। तो इसमें बीओडी को कंसिडरेबल अमाउंट पर रिड्यूस किया जाता है और इसमें जो है पूरे तरीके से फाइनल एफ्लुएंट की जैसा इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है और अगले डिस्पोजल के लिए इसको यूज़ किया जाता है यहाँ से ट्रीटेड जो स्लज होता है। तीसरा, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है सस्पेंडेड सॉलिड और निकल जाते हैं, बीओडी जो है वो भी बहुत कुछ लोअर डाउन हो जाती है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, जिनको हम बोलते हैं लगूम्स। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जो हैं हम इनको स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं। ये कुछ शेलो पॉन्ड होते हैं जो कि 2 से 4 फीट तक की डेप्थ के होते हैं और इनमें ह्यूज अमाउंट में जो होता है एल्गल ग्रोथ कराया जाता है वेस्ट वाटर के एफ्लुएंट के ऊपर। देन
इसको हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो जो वाटर यहाँ से ट्रीट होके आता है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें एयर प्रोवाइड कराते हैं, एयर के साथ साथ यहाँ पर जो हम एक इम्पॉर्टेंट एल्गी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्लोरेला पिरिनोडोसा, इसका यूज़ किया जाता है। ये एडिशनल इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है जो कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है और सीवेज को ट्रीट किया जाता है। तीसरे ट्रीटमेंट की बात करें जो एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस ट्रीटमेंट में हमें जो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस से जो ट्रीटेड जो सीवेज था उसके बाद अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें से जो है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहाँ से हटाना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना है, कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ से रिमूव करना है। तो अब इसमें जो है वो फिजिकल केमिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल केमिकल मेथड हैं और मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ कर सकते हैं, आरओ वाटर जो आपने सुना होगा इसके लिए, कार्बन एब्जॉर्प्टिव फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि जो कार्बन में हम ये जानते हैं कि उसमें जो है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी यूज़ किया जाता है। केमिकल एडिशन का यूज़ किया जाता है, आयन एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ होती है। बट इसकी अगर डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी कॉस्ट जो है इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। बट अभी जो सीवेज को जो फाइनल ट्रीट किया जाता है, फाइनल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जो लिक्विड एफ्लुएंट है उसको डिसइनफेक्टेंट से ट्रीट करना है, उसको अगर वाटर बॉडीज में अगर डिस्चार्ज करना है तो उसको पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंगली अगर उसमें जो वाटर उसको यूज़ करना है उसको सबसे पहले चाहें तो हम इसको इरिगेशन में, हार्वेस्टिंग में या बहुत सारे तरीके से जो अगर हम बात करें तो जो यूज़ किए जाते हैं फाइनल ट्रीटमेंट में वो केमिकल्स होते हैं क्लोरीन, फिर क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करना और फिर से इसमें एयरेशन मतलब एयर का एडिशन करना। तो पोस्ट एयरेशन प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉमनली। अगर हम बात करें तो जो क्लोरीन एक अपने आप में एक अच्छा डिसइनफेक्टेंट है और ये बहुत सारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें डिसइनफेक्टेंट के और भी दूसरे अल्टरनेटिव यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं जो फाइनल ट्रीटमेंट में, वो हो सकते हैं ओजोन से ट्रीटमेंट, अल्ट्रावायलेट लाइट से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट एयरेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है इसमें अगर ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो वाटर की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। देन तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल ट्रीटमेंट की। बट अभी तक हमने लिक्विड के तो ट्रीटमेंट की बात कर दिया, जो सॉलिड होता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। जो सॉलिड की प्रोसेसिंग है उसमें हम यूज़ करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेशन जो बात करते हैं। तो जो सेडिमेंटेशन से निकला हुआ जो स्लज था उस स्लज के लिए भी ट्रीट किया जा सकता है। तो स्लज को ट्रीट करने के लिए कई तरीके के स्लज डाइजेशन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू एनारोबिक कंडीशंस बनाई जाती हैं और एनारोबिक कंडीशंस में हम कई तरीके के एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉलिड को और ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं और एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ कर देते हैं। तो इससे बहुत सारे अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट और रिमूव हो जाता है और यहाँ तक कि इस सॉलिड से जब हम इसका एनारोबिक डाइजेशन कर रहे होते हैं तो इसका यूज़ जो इसमें जनरेट गैसेस हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो गैस होती है वो मीथेन होती है जिसका अमाउंट 60-70% तक इस एनारोबिक स्लज डाइजेशन में जनरेट होता है जो कि, और साथ साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। तो इनका यूज़ भी किया जा सकता है। तो कई तरीके के हीटिंग पर्पज़ या कई तरीके के ऑपरेशनल पावर स्टेशंस में इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और लास्ट अगर हम चाहें तो इसकी कंपोस्टिंग किया जा सकता है। जो
डीवॉटर्ड स्लज होता है उसको डायरेक्टली जो है डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोज होता है इसको हम थर्मोफिलिक टेम्परेचर रेंज पर ले जाके इसको बल्क में हम इसकी वुड चिप्स बना सकते हैं और इनमें यूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्लज का सॉलिड पार्ट है इसको डायरेक्टली कंपोस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरा जो सीवेज है वो ट्रीट हो जाता है। सो नाउ दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल सीवेज। सो थैंक यू।